बेटर हो गया। देखो ये चेन्नई का लोकल ट्रेन भी बताने वाला हूँ गाइस। ये देखो अपना ट्रेन आ गया है गाइस। वापस मैप के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक एग्जांपल है। लेकिन थोड़ा न्यू गाड़ी दी है। हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और अनदर व्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो का भी लाइक करके वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज मैं वीडियो में ये बता रहा हूँ कि मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जो जैसे कि अभी अपन कहीं पे भी ट्रैवल करते तो अपन को मेन एक ही त्रास होता है मेनली कि ट्रैवल का, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना भी जान पे आता है और कुछ व्हीकल्स मतलब हायर करके ड्राइवर के साथ ट्रैवल करना भी बहुत जान पे आता है, क्योंकि खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो अपन को प्राइवेट व्हीकल चाहिए रहता है जो अपन चला सके, तो प्रेफरेबली टू व्हीलर चाहिए रहता है, मेरे को तो वही अच्छा लगता है। तो मैं हर एक कोई भी स्टेट में मतलब किधर भी जाता हूँ घूमने के लिए, मैं पहले देखता हूँ कि वहाँ पे टू व्हीलर्स का कुछ अवेलेबल है क्या करके, क्योंकि अपने लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा और अपने लिए अच्छे से घूम भी सकते अपने प्रेफरेबली अच्छे से। तो उसके वजह से मैं इसके पहले जैसे कि कोचिन भी गया था, कोचिन पे एक था रॉयल ब्रदर्स करके, मैंने इसके पहले भी शायद मैंने बताया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ उसका, तो जाके चेक कर सकते हो। मैं उधर जाके पहले बुक करता था कोचिन, मतलब केरला में किधर भी जाना रहेगा वहाँ से बुक करता था गाड़ी लेके, फिर आगे जाता था कैसे भी निकाल के। और मैं अभी चेन्नई में आने के लिए मैंने बहुत जगह से ढूंढते, मैंने सुकूटो करके एक वेबसाइट था वहाँ से मैंने ढूंढ के निकाला है कि चेन्नई पे एयरपोर्ट से मतलब ऑलमोस्ट और एयरपोर्ट के बाजू में 3-4 लोकेशन में अवेलेबल है, तो कैसे भी आप गाड़ी ले सकते हो। मेरे को पलवन तांडव करके एक रेलवे स्टेशन के जस्ट 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो ज़्यादा दूरी नहीं था, बहुत नज़दीक में था, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा बेटर लगा वो चीज़। और पर डे 500 चार्ज कर रहा था डीओ या तो जुपिटर इसके ऊपर, और उसको ऊपर रहेगा गाड़ी जो गाड़ी का रेंज रहेगा उसको ऊपर से रेंज अलग होता। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक भी दे दूंगा जाके उस पर भी चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर लो। तो चलो फिर वीडियो पे आगे बढ़ते, तो चलो। हे देखो क्या है करके, ऐसा देखिए लग रहा है कि कुछ ग्राउंड है अंदर, कुछ प्ले ग्राउंड है करके, लेकिन देखा तो मेट्रो है। मेट्रो का बाहर देखो कितना मस्त उन्होंने बनाया है करके। हाँ मुंबई से चेन्नई बहुत बेटर है, बेटर हो गया। देखो चेन्नई में 6 महीना रुका नहीं कि चेन्नई अच्छा लगा इसको। देखो यही सब्बे से जाएंगे तो त्रिशूलम रेलवे स्टेशन आएगा, फिर वहाँ से अपन को ट्रेन पकड़ना होगा। बारिश हुआ है करके देखो सब जगह पानी भरा हुआ है, तो ध्यान से जाना होगा। फिर यहाँ से सब्वे से जाता हूँ तो आगे ट्रेन में जाकर पहले ट्रेन का टिकट निकाल के फिर ट्रेन में जाना होगा। तो मैं आज आप लोगों को ये ब्लॉग में चेन्नई का लोकल ट्रेन भी बताने वाला हूँ गाइस। सो चलो टिकट काउंटर पे भाई खड़ा है, पहले टिकट निकाल दें। चलो टिकट मिल गया है गाइस। देखो ये चेन्नई का रेलवे स्टेशन है जस्ट एयरपोर्ट के सामने। देखो लोकल ट्रेन कितना मस्त लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है मैं लोनावाला में हूँ। सिटी के बीच में भी ऐसा सीन, देखो कितना ग्रीनरी, देखो ग्रीनरी देखो यार, सामने देखो पहाड़। अपन को ये ट्रेन जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में और अपन को जाना है ये इधर से जो ट्रेन आएगा उस पर जाना है। टाइम कितना हो रहा है 11। एक्चुअली मैं गाड़ी तो 9 बजे से बुक करके रखा है, अभी 2 घंटे तक इसे वेस्ट हो गया, क्या कर सके। ठीक है अभी ट्रेन अभी ये यहाँ से आएगा, इस पर जाना है फर्स्ट या तो सेकंड स्टॉप है, तो उसके हिसाब से जाके उतरना है शायद। देखो अभी ट्रेन भी चले गया है तो आप लोगों को मैं पूरा क्लियर व्यू बता रहा हूँ। वेदर भी देखो यार, ये देखो अपना ट्रेन आ गया है। अरे बाप रे मदन कोट दबर, ये कितना रश है यार, बाप रे तो बहुत ज्यादा रश लग रहा है। चलो फिर कैसे कैसे करके अपन भी थोड़ा चेन्नई का ट्रेन में रश में जाके देखते। हाय ट्रेन में आके उतर गए, बाप रे मुंबई ट्रेन ठीक लग रहा था मुझे, ठीक था फिर भी ये भी कुछ नया एक्सपीरियंस। इसके पहले भी
आई थिंक मैं एक बार ट्रैवल किया है लोकल में, और बहुत पहले किया भी नहीं, बहुत पहले 7-8 ईयर्स के पहले होगा ट्रैवल किया है। ठीक है, टिकता फिर भी चलो, फिर अभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है कुछ 10-15 मिनट का लगता है, चलते 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 जाते हैं, पहला गाड़ी का जाके देखते हैं। ओके चलो, देखो ट्रेन भी निकल गया, बाय बोलो ट्रेन से, बाय बाय। ट्रेन से उतर के बस 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, अभी 2 मिनट तो हो गया, आगे बाहर तक आ गए, बस आगे जस्ट 1-2 मिनट में आ जाएगा, जाता हूँ फिर आपको मैं बाहर से शॉप बताता हूँ, फिर गाड़ी बताता हूँ, फिर प्रोसेस बताता हूँ, फिर जाते गाड़ी निकालते। पहले मैप में तो यही लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन किधर है? यही तो लोकेशन था, उनको कॉल करके देखता हूँ। गाइस वापस मैप को पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक एग्जांपल है। मैप को भरोसा करते करते चल के देखा तो उधर नहीं है, लोकेशन थोड़ा ही कुछ आगे पीछे है, तो उनको मैंने कॉल किया कॉन्टैक्ट में, तो उन्होंने बोला कि यार अभी तुम पहले कॉल कर दिए होते थे, बोला ठीक है चलेगा, अभी कॉल किया, अभी किधर आओ करके, तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे एन बेकरी करके वहाँ पे रुको 15-20 मिनट में आ रहे करके बोले, क्योंकि वो भी दूसरा अगर मैप में ऐसे आ रहा करके बोला उन्होंने। ठीक है, अभी 15-20 मिनट यहाँ पे वेट करता हूँ, तो तुम भी जब भी अगर बुकिंग करे कुछ भी करेगे लैंड होते या तो किधर भी आने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा पहले बता दो कि भाई मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर, तुम आ जाओ करके, हम लोग इन्फॉर्म नहीं किया उसके लिए, हम लोग अभी यहाँ पे 20 मिनट वेट करना पड़ रहा है, वेट करते 20 मिनट ऐसे टाइम पास। पहले गाड़ी ले लिए गाइस, लेकिन थोड़ा बहुत न्यू गाड़ी लिए, बहुत टाइम वेट करना पड़ा, ऐसे नहीं कि तुरंत मिला, वेटिंग है। और बुक किया था मैंने डीओ, मिला देखो टीवीएस का क्या है, जुपिटर मिला है, तो सब कुछ वीडियो सब निकल के सब चेक कर लिया, गाड़ी अच्छा नया गाड़ी है, उन्होंने बोला कि नया गाड़ी है, अभी डीओ जो है सर्विस में गया उसके लिए तो बस डीओ अवेलेबल नहीं था, और दोनों का वैसे भी चार्जेस तो सेम था, तो मैंने ये गाड़ी ले लिया है, ठीक ठाक है सेम ही, उन्होंने कुछ ये ज़्यादा कुछ बोला नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला 1000 रुपीज़ डिपोजिट अमाउंट, और वो अमाउंट जो है 24 आवर्स के बाद जब आप गाड़ी रिटर्न देंगे उसको 24 आवर्स के बाद आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट आप अगर आप गाड़ी चलाए चलान मिलन कटा कि नहीं कटा करके, यहाँ पे चेन्नई में वो पता चलो मिनिमम 6-7 आवर्स लगता है करके बोलते, तो उन्होंने उसके लिए मिनिमम 24 आवर्स का उन्होंने ग्रेस पीरियड रखा है, तो उसके बाद ही आपको रिफंड मिलेगा, तो एक इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फिर, मेरे को तो गाड़ी अच्छा लगा है, भाई ने भी गाड़ी चला के देखा कैसा लगा? बढ़िया। तो अब यहाँ से अभी निकलेंगे भाई के घर के इधर, जहाँ पे स्टे करता हूँ वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से अपन दूसरा जगह को स्टे करने का देखेंगे, दूसरे जगह में जाके स्टे करेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे और शाम को क्या प्लान करेंगे। तो इसके आगे तक का, इसके आगे भी और वीडियो आते रहेगा, तो अगर अभी तक आप लोग ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो को लाइक भी कर दो, और आने देर एक मस्त ब्लॉग के साथ मिलते हैं, अनटिल देन टाटा बाय बाय एंड सी यू। I'm gonna go to the bathroom.